सो गाइस, अभी वीआई के ऊपर एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारा जो नेटवर्क है ना वो एच में चल रहा है, यानी कि इंटरनेट में चल रहा है, और यहाँ पर कई बार ई में चला जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो कई बार हमें देखने के लिए मिलती रहती है। कई बार होता है क्या, आपका यहाँ पर जो नेट है ना वो 4G लिखा रहता है, लेकिन आपका जो चलता है बिल्कुल 2G के बराबर भी नहीं चलता है। इस तरह का भी इशू अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए दोस्त, मैं भी एक गांव से हूँ तो मुझे इस तरह का इशू मिलता रहता है, जिसको मैंने फिक्स कर दिया है अपने दूसरे फ़ोन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे फ़ोन में यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट है वो बिल्कुल 4G में चलने वाला है, चल रहा है, और चलने वाला क्या, चलता ही है 4G, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा दूसरे दोस्त का फ़ोन है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। मैंने सोचा कि आपके लोगों के लिए एक वीडियो दे दी जाए, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम देता है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए जानते हैं अपने वीडियो में आगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखिए मोबाइल की सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लोग मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन काम करने हैं। नंबर वन, यहाँ पर आपको सिम के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी सिम में आपकी वीआई की सिम पड़ी हुई हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉलेट ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। जैसे आप वोल्ट वोल्ट ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए नेटवर्क टाइप दिखेगा। यहाँ पर अगर आपका 4G में इंटरनेट है और उसके बावजूद भी आपका कोई भी इंटरनेट देखे, जैसे कि आगे का हम अगर प्ले करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट है बिल्कुल भी नहीं चलता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं 4G है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आपका नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप करेंगे मोबाइल सेटिंग में आएंगे और नेटवर्क में आएंगे, और यहाँ पर आप सिम कार्ड में आएंगे, और यहाँ पर सिम कार्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क टाइप में आके 3G सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका इंटरनेट है वो चलने लगेगा। ये प्रॉब्लम अगर आपको मिल रही है तो आप प्रॉब्लम अपनी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हमारा इंटरनेट चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम स्थायी है, कुछ समय के लिए है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरह का 4G इंटरनेट नहीं चल रहा है, 3G चल रहा है, तो आपको करना क्या है, 198 नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपने एरिया का पिन कोड, अपना एरिया का नाम, अपने गांव का नाम बता देना है कस्टमर केयर को कि हमें इस तरह का नेटवर्क इशू देखने के लिए मिल रहा है। ये जिस भी गांव से हैं आप, गांव में ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, अपना नेटवर्क आप अपडेट करा दीजिएगा और वहां पर जो 4G नेटवर्क है और भी बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, दूसरी सेटिंग आपको बता देता हूँ जिससे आपको और भी बेहतर स्पीड देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क में आना है और उसके बाद सिम कार्ड में आना है, और यहाँ पर आपको देखिए एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो इंटरनेट है हमारा ये 3G आइडिया का चल रहा है, तो यहाँ पर हमें करना है 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सेस पॉइंट पे जाना है और यहाँ पर रिसेट कर देना है, इसको सिंपली रिसेट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका वीआई का 4G चलेगा तो यहाँ पर वीआई 4G लिख के आएगा। अभी हमारा आइडिया या फिर वोडाफोन चलेगा तो 3G चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेट करिए, इतना करने के बाद आपका जो इंटरनेट है काफ़ी बेस्ट स्पीड में चलेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।